नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। तीन तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। मुस्लिम समाज में तीन तलाक की व्यवस्था पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने तीन तलाक को असंवैधानिक और महिला अधिकारों के खिलाफ बताया है, साथ ही कहा है कि यह महिलाओं के खिलाफ क्रूरता है। खंडपीठ ने साफ कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि समाज का एक वर्ग तीन तलाक पर इस्लामिक कानूनों की गलत व्याख्या कर रहा है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। पवित्र कुरान में भी तीन तलाक को अच्छा नहीं माना गया है। कुरान में कहा गया है कि जब सुलह के सभी रास्ते बंद हो जाए तभी तलाक दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकलपीठ ने यह फैसला दो महिलाओं की अलग अलग याचिकाओं पर सुनाया है। ये महिलाएं हिना और उमर भी हैं। इस मसले पर उच्चतम न्यायालय में भी एक मामला विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक का समर्थन और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। बोर्ड ने कहा है कि तीन तलाक की व्यवस्था में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें कुछ मुस्लिम संगठन द्वारा तलाक को अंतिम रूप देने से पहले सहमति बनाने के लिए तीन माह की नोटिस की अवधि को अनिवार्य करने के सुझाव को भी नकार दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोटबंदी के विरोध में संसद परिसर में विपक्षी दलों ने मनाया काला दिवस। नोटबंदी को एक माह पूरा। वडोदरा में बारात में डीजे बजाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा, 6 पुलिसकर्मी घायल। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले में मुठभेड़ एक आतंकवादी मारा गया। इंडोनेशिया के भूकंप में मरने वालों की संख्या 102 हुई। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला, कहा नोटबंदी का फैसला मूर्खतापूर्ण। और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए webdunia.com।